हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटल्य कॉमर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लास 12th में चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था, आज उसके आगे बनाएंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का ए। प्रीतम एंड नरेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 30th of September 2018। बोल रहा है प्रीतम और नरेश अपना बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कब? 30 September 2018 को। तो सर जिस दिन बंद करना चाहते हैं उसी दिन का बैलेंस शीट चाहिए। हम बोले बताएगा क्वेश्चन। When their balance sheet stood as follows, उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड कैपिटल है दोनों पार्टनर्स का, लोन है नरेश का और मिसिस प्रीतम का। नरेश पार्टनर है, मिसिस प्रीतम पार्टनर नहीं है, तो सर आपको नरेश का लोन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। एसेट साइड में बैंक है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, माइनस प्रोविजन है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीन है, गुडविल है और प्रीपेड एक्सपेंस है। तो सर ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा हुआ आइटम कहां जाएगा? सर ये चार अकाउंट जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसी में कहीं ना कहीं जाएगा। किस तरह जाता है? सर जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम होता है वो पार्टनर कैपिटल में, जो पार्टनर का लोन होता है वो पार्टनर के लोन अकाउंट में, जो बैंक होता है वो बैंक अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ सारा एसेट्स सर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, और एसेट डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, द एसेट्स वेयर रियलाइज, एसेट्स बिक रहे हैं। स्टॉक 20,000 में, बिल रिसीवेबल 3,800 में, फर्नीचर 5,100 में, प्लांट एंड मशीन 35,000 में, सन्ड्री डेटर एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। जो डेटर है वो बुक वैल्यू से 10% कम में बिक गए। सन्ड्री क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर को 5% का डिस्काउंट अलाउ किया गया, मतलब 5% कम पे पेमेंट हो गया। प्रीतम एग्रीज टू पे हिज वाइफ लोन, प्रीतम बोल रहा है अपना वाइफ का लोन हम ले जाएंगे, तो सर पार्टनर लाइबिलिटी ले जा रहा है। नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, नरेश बोला है कि आउटस्टैंडिंग रेंट को हम पे कर देंगे, मतलब सर एक लाइबिलिटी नरेश भी ले जा रहा है। जिस तरह पार्टनर एसेट्स ले जा सकता है उस तरह वो लाइबिलिटी भी ले जा सकता है, हम लोग एंट्री लिखे हैं। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 800, डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ है 800 का। प्रीतम एंड नरेश शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बोल रहा है जो प्रीतम और नरेश है वो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं कैपिटल के रेशियो में। तो ऊपर में देखो कैपिटल है नरेश प्रीतम का 40,000 और नरेश का 20,000, तो इनका रेशियो क्या बनेगा 2:1 कि सर कैपिटल रेशियो 2:1। अकाउंट्स वेयर फाइनली सेटल्ड, बोल रहा है जो भी अकाउंट है वो सेटल कर दिए जाएंगे। प्रिपेयर जर्नल, आपको जर्नल एंट्री करना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो सर जर्नल एंट्री भी करना है और फिर लेजर ही बनाना है, तो पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं फिर हम लोग किस पे आ जाएंगे जर्नल एंट्री पे। चलिए शुरू करें। हम लोग कैसे सीखे, क्या हम लोग ऐसे सीखे कि पहले रियलाइजेशन बनाएंगे फिर लोन बनाएंगे फिर कैपिटल बनाएंगे और लास्ट में बैंक? ना, ऐसा कभी नहीं बनाएंगे। ऐसा बनाने का एक बड़ा रिस्क होता है कि लास्ट में हो सकता है वो मैच ही ना करे और हम लोग गलत बना दें। सबसे बेस्ट तरीका है कि सर एक बार में सब बना देंगे, सबका फॉर्मेट बना चुके हैं। बैलेंस शीट का आइटम जहां जहां सज सकता है वहां सजा देंगे, और बैलेंस शीट का आइटम कितना बार जाता है? सिर्फ एक बार, और नीचे का इंफॉर्मेशन दो बार, क्योंकि नीचे का तो एंट्री होगा और एंट्री तो हम लोग जानते हैं कि सर एसेट्स को बेचने का एंट्री क्या होता है, लाइबिलिटी को पेमेंट करने का एंट्री क्या होता है। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला आइटम है कैपिटल, लाइबिलिटी साइड पढ़ रहे हैं, कैपिटल मिला कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बी। प्रीतम का कैपिटल 40, नरेश का कैपिटल 20। उसके बाद है लोन, नरेश का लोन, तो सर लोन अकाउंट में बाय बैलेंस बी डी अमाउंट इज 14,000। सर क्रेडिट साइड क्यों लिखे? क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। उसके बाद मिसिस प्रीतम लोन, ये पार्टनर थोड़ी है, ये तो प्रीतम की वाइफ है, तो प्रीतम की वाइफ एक अलग इंडिविजुअल है, तो सर वो तो अदर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहां जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, मिसिस प्रीतम लोन।
ये एक लाइबिलिटी है, कितने का 10,000। क्रेडिटर, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्रेडिटर कितने का 36,000। और आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी लाइबिलिटी है 500, और ये सारा रियल लाइबिलिटी है। एसेट साइड में बैंक, बैंक कहां जाएगा, बैंक का अकाउंट बनाए हैं, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट इज 400। स्टॉक सर, रियलाइजेशन के डेबिट में, जब हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट या क्रेडिट में लाइबिलिटी और एसेट को डालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सर, एसेट्स और लाइबिलिटीज खत्म हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट से, क्योंकि जो हमारे बैलेंस शीट में था वो हम ट्रांसफर कर दिए, तो एसेट्स भी बंद हो गए, लाइबिलिटी भी बंद हो गए। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हम लोग बंद कर देते हैं, उस एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा ओपन नहीं कर सकते हैं, ओपन करने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज ही नहीं होगा। चलो अगला बताओ सर, स्टॉक का पैसा 21,500, बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 8,800, डेटर 45,000, और जो प्रोविजन है सर वो क्रेडिट में जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अमाउंट 1,500। नेक्स्ट फर्नीचर अमाउंट 3,000, प्लांट एंड मशीन अमाउंट 23,000, गुडविल, क्या ये भी नहीं जाएगा, हां गुडविल भी लाइक एनी अदर एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रीपेड, इंश्योरेंस 300, बैलेंस शीट का हर एक आइटम लिख चुके, बैलेंस शीट का बात खत्म। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, एसेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलोज, बोल रहा है एसेट्स कुछ इस तरह से बिके, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन और डेटर, इन सबके बारे में बता दिया कौन कितना बिका। हम बोल रहे सर बेचे तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स तो हम लोग बंद कर चुके, जब एसेट्स ही बंद हो चुका है तो उसका नाम तो दोबारा आना ही नहीं है। तो सर पैसा मिला किस चीज का, हम बोले हैं वो चीज मेरे पास नहीं है, बस पैसा मिल गया, तो सर फायदा, जो चीज नहीं है उसका पैसा मिल रहा है। सर कैसे नहीं है, हम बोले दोस्त बंद कर चुके हैं ना, एसेट तो खत्म हो गया, मेरे कम से कम किताबों में तो नहीं दिखेगा, तो जो दिख नहीं रहा उसके बदले पैसा ले लिए हैं तो फायदा है, तो एंट्री क्या बनना, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो आया और फायदा क्रेडिट होता है, और इस चैप्टर में फायदा या नुकसान दोनों का नाम क्या है, रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर एंट्री तो कर ली दिमाग में, अब पोस्टिंग कैसे करेंगे, हम बोले बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक का लेजर है, उसके डेबिट क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। ऐसे करके बनाने से फायदा क्या होता है, एंट्री एकदम दिमाग में बैठ जाता है कि सर अब एंट्री भी आता है हमको, तो सर रियलाइजेशन बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखे, रियलाइजेशन, क्या क्या बिका सबका नाम लिख दो। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक बिका 20 में, बिल्स रिसीवेबल बिका 3,800 में, फर्नीचर 1,500 में, प्लांट एंड मशीन 35,000 में, डेटर बोला है, डेटर कितना 10% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक में कितना वैल्यू था 45, उसमें 10% कम कर लो 40,500। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक के डेबिट में, क्रेडिट क्या हुआ था रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का अकाउंट बनाए हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखो नाम किसका, हम बोले सर बैंक का, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो उसके उल्टा में नाम किसका है, बैंक का। स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 3,800, फर्नीचर 1,500, प्लांट एंड मशीन 35,000, और डेट 40,500। सर पहला पैराग्राफ का बात खत्म। नेक्स्ट
सन्ड्री क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%, सन्ड्री क्रेडिटर 5% का डिस्काउंट दिया, इससे हम लोग क्या समझेंगे, सर वो पेमेंट कर रहे हैं 5% पैसा छोड़ दिया, तो क्रेडिटर को पेमेंट किए तो मेरे हम बिजनेस है, मेरा तो पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, सर क्रेडिट हुआ बैंक, डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन, सर रियलाइजेशन क्यों, क्रेडिटर का नाम लिखिए, डेबिट द रिसीवर, जो ले रहा है उसको डेबिट कीजिए, हम बोले दोस्त क्रेडिटर को हम लोग क्लोज कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट से, तो जो चीज क्लोज हो चुका है उसका नाम दोबारा थोड़ी आएगा, तो क्योंकि वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, तो सर पैसा गया और जो चीज नहीं है उसके लिए पैसा गया तो लॉस हो गया, लॉस का नाम क्या है, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ, तो डेबिट में नाम किसका लिखेंगे, बैंक क्रेडिटर, कितना पेमेंट कर रहे हैं 5% के डिस्काउंट में, तो 36,000 का क्रेडिटर है उसमें 5% माइनस कर लो तो सर 1800 रुपीज माइनस हो जाएगा, तो कितना पेमेंट होगा 34,200, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक बार, दो बार ट्रीटमेंट होना है नीचे का आइटम का, टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखो बाय रियलाइजेशन, ये भी हो गया। आगे बढ़िए, प्रीतम एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, प्रीतम पार्टनर है वो बोला है वाइफ का लोन हम पे कर देंगे, मतलब लाइबिलिटी कौन ले जाएगा, प्रीतम, तो हम बोले सर पैसा तो गया नहीं बिजनेस का, हम बोले नहीं पैसा जाता तो बैंक क्रेडिट होता, लेकिन पैसा ना जा करके प्रीतम बोला हम दे देंगे, जो प्रीतम पार्टनर है वो अगर दे देगा तो वो बिजनेस से बाद में पैसा मांगेगा, तो सर पैसा का नाम हटा करके क्रेडिट में किसका नाम लिख देंगे, प्रीतम कैपिटल, तो क्रेडिट तो प्रीतम कैपिटल होगा, क्यों होगा प्रीतम कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि सर वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया, जो लोन का पैसा हमको देना था वो मेरा पार्ट जो बिजनेस में पार्टनर है प्रीतम वो दे दिया, तो प्रीतम बाद में किससे मांगेगा, बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कौन बन गया, प्रीतम, तो सर टू प्रीतम कैपिटल, डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, सर लोन का नहीं लिख सकते, लोन तो राइट ऑफ सॉरी क्लोज हो चुका है, तो सर फिर तो आपको रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीतम कैपिटल, तो सर रियलाइजेशन का डेबिट में लिखिए टू प्रीतम कैपिटल, क्या ले गया है ये, सर मिसिस प्रीतम का लोन जो कितने का है 10, प्रीतम कैपिटल क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो उसे डेबिट में आया, कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में आया कैपिटल, किस नाम से, रियलाइजेशन, प्रीतम 10,000, ये लाइन भी खत्म सर, दो बार ट्रीटमेंट हो चुका है। आगे बढ़िए, नरेश एग्रीज टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, नरेश बोला कि भाई रेंट का पैसा हम दे देंगे, तो सर नरेश पेमेंट कर देगा तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि नरेश कोई दयावान आदमी है, वो पेमेंट करके बाद में किससे लेगा, बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए कोई फायदा थोड़ी है, बिजनेस को पैसा देना ही है, चाहे वो रेंट के नाम से दे चाहे वो नरेश को दे, तो क्योंकि नरेश पे कर देगा तो मेरे लिए लाइबिलिटी अब नरेश बन जाएगा, हम बिजनेस है, नरेश बोला बिजनेस जी हम दे देंगे आप टेंशन मत लो, तो हम बोले ठीक है बाद में तुमसे लेगा ही, तुम कौन सा धर्म करने बैठा है, तो मेरे बुक में क्या एंट्री हुआ, हम बोले सर टू नरेश, नरेश को देना है, और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल आउटस्टैंडिंग रेंट, किस चीज आउटस्टैंडिंग रेट कितने का है 500, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन का डेबिट टू नरेश कैपिटल, तो कैपिटल में चले जाओ बाय, अच्छा एक बार तो लिख ही दीजिए उसी में लिख दो, क्या बार बार लिखना, ये भी हो गया लाइन, आगे बढ़ो, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन 800, 800 रुपया का एक्सपेंसेस हुआ, क्या एंट्री होगा, सर रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक के अंदर लिख दो, एक्सपेंस 800, बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक क्रेडिट में लिख दिए,
बाय रियलाइजेशन उसके अंदर। एट हंड्रेड आगे बढ़िए। प्रीतम एंड नरेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, वो तो हम लोग बात कर चुके कि सर कैपिटल 40:20 है तो रेशियो बनेगा 2:1। और कोई चीज है? नहीं, अब कोई चीज नहीं है। चलिए अब सर हम लोग को सेटल करना है, तो चलिए इस बात करें। सबसे पहले सर जोड़िए और बाहर कीजिए, ये तो बाहर हुआ 35,000। सबसे पहले क्या क्लोज करते हैं? रियलाइजेशन। तो 20,000 प्लस 3,800 प्लस 1,500 प्लस 35,000 प्लस 40,500, ये आएगा 1,08,000। सर आप एक चीज भूल गए, बोले क्या? जब हम लोग सारा काम कर लेते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो रियल लाइबिलिटी है उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं। बोले हाँ ठीक याद दिलाया, आओ चेक करें। मिसिस प्रीतम लो 10,000, क्या इसका पेमेंट हुआ? हम बोले हाँ सर, देखिए प्रीतम ले गया, बोला हम पेमेंट करेंगे, तो बिजनेस के लिए तो मुक्ति है। क्रेडिटर 36,000 पेमेंट कर चुके डिस्काउंट में। आउटस्टैंडिंग रेट देखो नरेश ले गया, और प्रोविजन, प्रोविजन कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है तो उसका कोई पेमेंट नहीं होगा। अब सर आगे बनाइए, चलो शुरू करो। चलिए जोड़ा जाए और देखा जाए, 21,500 प्लस 8,800 प्लस 45 और 3 48,000 प्लस 23 और 20 43,000 प्लस प्रीपेड 300 प्लस 35,000 प्लस 10,500 1,67,100 माइनस 1,08,000 माइनस 15 और 500 2,000 माइनस 36 और 10 46,000 18,300 का लॉस। क्या बुक में मैच कर रहा है? नहीं सर, बुक में तो दिया हुआ है 14,700 क्या कुछ छूट रहा है हमसे? देख ले एक बार हम तो ठीक कीजिएगा। एक्चुअली फर्नीचर बिका है 5,100 में, हम गलती से 1,500 रुपए लिखे, तो ठीक कीजिएगा 5,100 फर्नीचर। तो सर ये पैसा भी चेंज हो जाएगा, बोले हाँ ये भी चेंज हो जाएगा, आओ जोड़ ले 20,000 प्लस 3,800 प्लस 5,100 प्लस 35,000 प्लस 40,500 ये आएगा 1,04,400। अब आ जाना चाहिए आंसर, प्लस 2,000 प्लस 46,000 माइनस 167,100 अब आ गया 14,700। ये क्या निकला? रियलाइजेशन का लॉस, जो किसको मिलता है? पार्टनर को। पार्टनर का नाम प्रीतम और नरेश। किस रेशियो में बटेगा? सर 2:1 में। कैपिटल रेशियो, कैपिटल 40,000 20,000, तो इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2:1। तो 14,700 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 9,800 और 4,900। ये बैलेंसिंग फिगर से निकला, तो सर ये दूसरा बार कहां जाएगा? पार्टनर के अकाउंट में, टू रियलाइजेशन लॉस। सेकेंड काम सर फिर बनाएंगे लोन अकाउंट। क्या लोन अकाउंट में कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है सर। लोन लाइबिलिटी है कितने का? 14,000। बिजनेस बंद हो रहा है, पेमेंट कर दीजिए, तो पेमेंट करेंगे। क्या एंट्री होगा? बोले सर इस लोन का पेमेंट कीजिएगा तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, पार्टनर जो नरेश का लोन है वो डेबिट टू बैंक। तो सर टू बैंक, और फिर बैंक अकाउंट में कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड में 14,000। तो सर बैंक अकाउंट क्रेडिट में बाय
नरेश लो। ये आया था जोड़ के 104,400। दो अकाउंट क्लोज। अब कहां चले जाते हैं? कैपिटल में जोड़ा जाए और जो बैलेंस निकलेगा वो कहां चला जाएगा? बैंक, बैलेंसिंग फिगर। फिर सर ये बैंक, बैंक अकाउंट में 50,000, 20,500। में गया तो 40,200 और 20,500 माइनस 4,900, 15,600। तो सर ये चला जाएगा बैंक अकाउंट में बाय प्रीतम कैपिटल 40,200 और बाय नरेश कैपिटल 15,600। करेक्ट होने के केस में सर दोनों बराबर हो जाएगा। आइए इधर भी जोड़ें, फिर 35,000 प्लस 14,000 प्लस 4,200 प्लस 15,600 104,800 इक्वल हो गया। ये अभी क्वेश्चन का आधा पार्ट खत्म हुआ है लेजर। अब क्या करना है हम लोग को? जर्नल एंट्री लिखिए। चलिए अब क्या करेंगे सर? अब बनाएंगे जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए था, ए नंबर लिखना भूल गए थे हम। एंट्री कैसे सिखाए थे सर? एंट्री बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसको बंद करना है। तो कैसे बंद करेंगे सर? जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पहला काम ये। उसके बाद एसेट्स बिकेगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा और रियलाइजेशन से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। दूसरा काम सर, एसेट्स लाइबिलिटीज जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते, जैसे सर कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, पार्टनर का लोन, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, इन सबको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। उनको बाद में जब हम लोग रियलाइजेशन का काम खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग उसका क्लोजिंग करते हैं। चलिए ठीक है, तो सर शुरू किया जाए। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? बोले सर एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए। एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स दिख रहा है, उसमें से कौन सा एसेट्स है जो नहीं जाएगा रियलाइजेशन में? सर एक बैंक है वो नहीं जाएगा, बाकी सारा जाएगा। तो एंट्री बोलो एसेट्स को बंद करने का एंट्री। एसेट्स बाय नेचर क्या होता है? डेबिट। तो सर बंद करेंगे तो सबको कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। तो सारे एसेट्स को क्रेडिट में लिख देंगे, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन है उनको छोड़ के। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन, सारा एसेट्स खत्म, लॉस हुआ, लॉस डेबिट, क्योंकि एसेट्स खत्म होने से सर लॉस ही तो होता है। तो हम सारा एसेट को जब क्रेडिट कर देंगे तो मेरा सारा एसेट खत्म हो जाएगा, तो सर उससे लॉस होगा, लॉस डेबिट होना चाहिए। लॉस का नाम क्या है? रियलाइजेशन। चलो पहला एंट्री सर, किस डेट में होगा ये सारा काम? 30 सितंबर 2018 दिया हुआ है, 30 सितंबर। अगर तुम्हारे बुक में कोई और डेट होगा तो तुम वो डेट लिखना। एंट्री लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आप पाओगे कि हाँ सर एंट्री कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। टू, क्या बैंक लिखेंगे? नहीं, बैंक तो लिखेंगे ही, स्टॉक लिखेंगे। और बताओ, बिल रिसीवेबल लिखेंगे, डेटर को लिखेंगे। सर प्रोविजन, प्रोविजन लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी तरह ट्रीट करेंगे। टू, फर्नीचर लिखेंगे, प्लांट एंड मशीन लिखेंगे और गुडविल लिखेंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। और कोई एसेट्स नहीं। चलो सबका पैसा लिखो। स्टॉक 21,500, बिल्स रिसीवेबल 8,800, डेटर 45,000, फर्नीचर 3,000, प्लांट एंड मशीन 23,000, गुडविल 20,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 300। सबको जोड़ेंगे और रियलाइजेशन में पैसा लिखेंगे। बी, एसेट्स ट्रांसफर टू। टू रियलाइजेशन।
ये एंट्री करने से मेरा सारा एसेट्स बंद हो गया। सर पैसा जोड़ेंगे, हम बोले हाँ पैसा जोड़ेंगे, आओ जोड़े पैसा। 21,500 प्लस 8,800 प्लस 45,000 प्लस 23 प्लस 3 26,000 और 2,300 121,600। पहला एंट्री खत्म। दूसरा एंट्री, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे विथ एक्सेप्शन, जो आइटम नहीं ट्रांसफर करना जो हम लिखवा के रखे हैं कौन कौन, सर कैपिटल करेंट प्रॉफिट लॉस रिजर्व पार्टनर लोन इन सब को छोड़कर, ओके जो पार्टनर से बिलोंग करता है उसको छोड़कर। तो सर दूसरा एंट्री क्या होगा, हम बोले देखो क्या क्या होगा, कैपिटल नहीं जाएगा, नरेश का लोन नहीं जाएगा सर, उसके बाद मिसिस प्रीतम का लोन, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग, ये तीन लाइबिलिटी है जो हम लोग बंद कर देंगे। तो इन तीन लाइबिलिटी को बंद कैसे करोगे, सर लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, बंद कीजिएगा तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट कर दीजिए, ये कौन सा बड़ा चीज। तो मिसिस प्रीतम का लोन, ये कोई पार्टनर थोड़ी जो इसको बंद नहीं करेंगे, तो करेंगे ही करेंगे। क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग रेट, चलो पढ़े सर, मिसिस प्रीतम का लोन 10,000, क्रेडिटर 36,000 और आउटस्टैंडिंग 500। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है, लाइबिलिटी खत्म हो गया, तो सर लाइबिलिटी खत्म हो गया फायदा होता है, कोई पेमेंट तो किए नहीं है तो खत्म किए तो फायदा क्रिएट हो गया, कितने का 46,500। बी लाइबिलिटी ट्रांसफर, रियलाइजेशन, तो बैलेंस शीट में इतना सारा एसेट्स लाइबिलिटीज खत्म हो गया, अब ये चीज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब, बचा हुआ चीज क्या होगा, बोले सर कैपिटल पार्टनर का लोन और बैंक, बस इस तीन को अब बंद करना है। हम बोले अब नीचे का तुम बात पढ़ो क्या क्या बात है, बोला सर पहला पैराग्राफ है सेल, क्या बेचे हैं एसेट, तो पैसा आया, थर्ड एंट्री, बेचेंगे तो पैसा आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि जिस एसेट्स को बेचे हैं वो तो है ही नहीं, तो जो चीज नहीं है वो बेच के पैसा आ रहा है, रियलिटी में होगा लेकिन बुक्स में थोड़ी है, तो बुक्स में कोई चीज नहीं हो और उसके लिए पैसा मिले तो फायदा है, फायदा क्रेडिट टू रियलाइजेशन। सारा एसेट्स जो बेचे थे उन सभी को जोड़ लो, तो सर वो जोड़े कितना आएगा, हम बोले ये तो निकालना पड़ेगा तुमको, 20,000 प्लस 3,800 प्लस 5,100 प्लस 35,000 प्लस 40,500, ये आया था 1,04,400, जहां तक हमको याद है इतना ही रुपया आया था, 1,04,400, देख लेते हैं एक बार, 20,000 प्लस 3,800 प्लस 5,100 प्लस 35,000 प्लस 40,500, जी हाँ। तो पहला एंट्री हो गया बी एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज हो गया। नेक्स्ट, क्रिएटर को पेमेंट करेंगे 5% के डिस्काउंट में, तो फोर्थ नंबर एंट्री, क्रिएटर को पेमेंट किए तो सर पैसा गया, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू बैंक, क्रेडिटर 36,000 का था उसको डिस्काउंट पे पेमेंट किए, कितना डिस्काउंट पे 5%, तो कितना पेमेंट किए 34,200, बी क्रेडिटर पेड, एट 5% डिस्काउंट। नेक्स्ट पढ़ो, लिखा है मिसिस प्रीतम का लोन प्रीतम ले जाएगा, तो सर मिसिस प्रीतम का लोन ले गया, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कि सर
प्रीतम अभी पेमेंट किया है बाद में तो मांगेगा, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। टू, प्रीतम कैपिटल, कितने का? 10,000। बी, मिसेस प्रीतम लोन, टेकन बाय प्रीतम। सिक्स, फिर आगे बढ़ो, बोला है नरेश जो है वो आउटस्टैंडिंग रेंट ले जाएगा, तो सर सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल। कितने का रेंट है? 500। टू, नरेश कैपिटल। बी, आउटस्टैंडिंग रेंट टेकन बाय पार्टनर नरेश। आगे बढ़, फिर क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन 800। सर रियलाइजेशन टू बैंक, पैसा गया, नुकसान हुआ। टू बैंक, कितने का? 800। बी, डिजोल्यूशन एक्सपेंस पेड, और बताओ। सर ये भी हो गया, आगे बढ़िए, और कोई बात हम बोले नहीं, अब तो कोई बात है ही नहीं। तो सर पहले तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, हम बोले हाँ पहले वो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद पार्टनर का लोन का पेमेंट होगा और फिर कैपिटल का पेमेंट होगा। बस दो तीन एंट्री और करना है, बात खत्म हो जाएगा। तो सर प्रॉफिट निकालिए, हम बोले लॉस तो वो निकाल चुके थे, कितना आया था? सर वो तो आया था 14,700 का लॉस, तो रियलाइजेशन का लॉस हुआ। लॉस किसको मिलता है? पार्टनर को। तो सर लॉस दे दीजिए, तो लॉस बाय नेचर डेबिट होता, जब दे देंगे तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट। तो टू रियलाइजेशन। लॉस का नाम क्या है इस चैप्टर में? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन किसको मिलेगा? प्रीतम और नरेश। कितना रुपया का लॉस है? 14,700। 2:1 में बांटो। बी, रियलाइजेशन लॉस। ट्रांसफर। इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सर रियलाइजेशन का बात खत्म, कोई रिजर्व तो है नहीं क्वेश्चन में, कोई पीएल भी नहीं है, वरना वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते। तो सर अब जो बचा हुआ है वो क्या है? एक लोन का पैसा और एक कैपिटल का पैसा। तो लोन का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा कि सर नरेश का लोन जो है लाइबिलिटी है वो बंद नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम तो लिखेंगे हम। तो लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए का है? 14,000 पेमेंट कर दीजिए। हम बोले आइए एंट्री करें उसका भी। एंट्री करते हैं, नाइन्थ नंबर, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दिया जाए ताकि आपको भी दिख सके। तो सर नरेश लोन का पेमेंट कीजिए, पार्टनर के लोन का पेमेंट। सर आप यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नरेश का लोन क्लोज नहीं हुआ है। जैसे बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, उसको नहीं करते हैं। सर ऐसा क्यों? ये भी तो लाइबिलिटी है, पेमेंट इसको भी तो करना है, तो पहले इसको भी ट्रांसफर कर ही देते हैं। हम उसका रीजन है, जब बिजनेस बंद होता है तो सबसे पहले बाहर के लोगों का पेमेंट होता है, मतलब जो आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना रखता हो, जिसका आपके बिजनेस में कोई फायदा नुकसान ना हो,
वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर, लेकिन जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो, उसका कुछ हिस्सेदारी चल रहा हो, तो हम बोलते हैं सर ये लोग पहले पे नहीं किए जाएंगे। जैसे नरेश का लोन, नरेश कौन है? पार्टनर, वो बिजनेस में पैसा लगाया है, तो सर ये आउटसाइडर्स नहीं है, इनका प्रायोरिटी पहले नहीं होगा। पहला प्रायोरिटी किसका होगा? आउटसाइडर्स का, जो कि आपके बिजनेस में पैसा लगाए हैं लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके प्रॉफिट लॉस में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसीलिए हम लोग जितना भी लाइबिलिटीज होते हैं अदर देन द पार्टनर्स, उनको पहले पे करते हैं, इसलिए वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद नंबर आता है किसका? पार्टनर के लोन का। और अंत में किसको पेमेंट किया जाता है? सर पार्टनर को। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर बिजनेस में कुछ पैसा कमी हो जाए तो वो बाहर के लोगों को नुकसान ना दे। जो पार्टनर्स है बिजनेस के अंदर, जिनका ये प्रॉपर बिजनेस ही है, जो मालिक है, लॉस उनको होना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके वहां पेमेंट करते हैं, क्योंकि एसेट भी वहीं बिकेगा, पैसा जमा होगा। पहले किसको पेमेंट होगा? आउटसाइडर्स को। उसके बाद जब पैसा बचेगा, नरेश का लोन, और फाइनली किसको मिलता है पैसा? पार्टनर को। तो सर नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का? 14,000। बी, नरेश लोन पे। और लास्टली एंट्री नंबर 10, जो कैपिटल है उसका पेमेंट होगा। हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए हैं और उसमें बैलेंसिंग फिगर निकला था, आपको याद होगा कि हाँ सर बैलेंसिंग फिगर निकला था, वही एंट्री करना है। तो सर लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएगा, एंट्री क्या बनेगा? प्रीतम कैपिटल डेबिट। नरेश कैपिटल डेबिट। और टू बैंक। चलिए पन्ना पलट के देखिए कितना रुपया आया था। प्रीतम का आया था 40,200 और नरेश का आया था 15,600। 40,200 और 15,600 दोनों को मिला है कितना पेमेंट हुआ? 55,800। बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल। तो ये हुआ हम लोग का 10वां एंट्री। इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व या पीएल नहीं था, वरना पहले हम लोग ये एंट्री खत्म होने के बाद जो रिजर्व और पीएल होता उसको क्लोज करते। कैसे क्लोज करते? सर पार्टनर को देते, वो तो प्रॉफिट है, वो सीधा पार्टनर को मिल जाता। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बी की ओर चलते हैं। लिखा है मिस रीता, मिसेस रीता चौधरी एंड मिस शोभा आर पार्टनर इन ए फर्म। दो पार्टनर है, मिसेस रीता और मिस शोभा, और फर्म का नाम है फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बराबर के पार्टनर है। ऑन 1st April 2018 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। 1st April 2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिस्टर चौधरी लोन। मिस्टर चौधरी कौन है? क्या वो पार्टनर है? नहीं, पार्टनर तो मिसेस रीता चौधरी और मिस शोभा है, मिस्टर चौधरी उनके हस्बैंड हो सकते हैं, तो सर वो पार्टनर नहीं है। रिजर्व फंड और कैपिटल दिया हुआ है दोनों पार्टनर का। एसेट साइड में देखो बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, फिर माइनस में प्रोविजन है, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। टोटल है 2,64,000। अब द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट गिवेन एवर, बोल रहा है जो फर्म है वो डिजॉल्व हो गया है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, फिर कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। नंबर वन, मिसिस रीता चौधरी अंडर टुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। तो सर जो मिसिस रीता है, जो पार्टनर है, वो एक लाइबिलिटी ले जाएंगे। कौन सा लाइबिलिटी? मिस्टर चौधरी का लोन। 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और तो और एसेट्स में स्टॉक ले जाएंगे। कितना स्टॉक ले जाएंगे? 50%। और जो 50% स्टॉक लेके जाएगी वो कितना में? 20% के डिस्काउंट में। बोले ओके। सेकेंड पॉइंट, बुक डेट मतलब डेटर
रियलाइज 54,000, बुक डेप कितने बिक गया 54 में, और बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, और बोल रहा है जो बचा हुआ स्टॉक है वो 30% के प्रॉफिट में बिक गया। सर बचा हुआ स्टॉक, टोटल स्टॉक का 50% तो रीता चौधरी ले गई, बचा कितना 50%, तो जो बचा हुआ है वो 30% के प्रॉफिट में ले गया। बोले ओके समझ गए सर, वो बिक जाएगा। क्रेडिटर वेयर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल पेबल पेड इन फुल, तो सर क्रेडिटर को 10% का डिस्काउंट में पेमेंट करना है और बिल पेबल को पूरा पेमेंट कर देना है। प्लांट एंड मशीन रियलाइज 75,000, प्लांट एंड मशीन 75 में बिक गया, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में, और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में। मिसिस रीता चौधरी टूक ओवर गुडविल ऑफ दी फर्म, मिसिस रीता चौधरी एक और एसेट्स ले गई, क्या गुडविल ले गई फर्म का, कितने रुपए में 30,000 में, तो सर एसेट्स पार्टनर ले जा रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250, बोल रहा है सर खर्चा भी हुआ है 5,250 का, ये तो पेमेंट करना पड़ेगा। सो द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म, तो सर तीन चीज बनाना है, इस बार पार्टनर का लोन नहीं है। चलो शुरू करें क्वेश्चन को, तो पढ़ लिए हम लोग। सबसे पहला काम, बैलेंस शीट का आइटम इस तीन लेजर में कहीं ना कहीं लिखना होता है, कौन कहां जाता है, सर बैंक का पैसा बैंक अकाउंट में, हम बोले ठीक, और पार्टनर का पैसा जो कैपिटल के रूप में हो या पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ सारा एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्लोज कर देते हैं। चलिए शुरू करें। लाइबिलिटी क्रेडिटर कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बीपी बिल्स पेबल ये भी सर वही, और मिस्टर चौधरी का लोन, तीनों ट्रांसफर, क्रेडिटर है 75, बिल्स पेबल है 30 और चौधरी का लोन है 15,000। रिजर्व फंड सर ये पार्टनर का आइटम है, पार्टनर को दे दी, इक्वल पार्टनर इक्वल है, बांटते हैं प्रॉफिट को, तो सर 24,000 का है बराबर बांट दी, और कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, तो ये दोनों चीज पार्टनर को बिलोंग करते थे, पार्टनर को दे दिए 90,000 30,000। चलिए एसेट साइड चले, पहला है बैंक, तो बैंक तो बैंक के अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट्स है इसलिए डेबिट। उसके बाद बाकी बचा हुआ स्टॉक, अगला नाम बुक डेट, बुक डेट का मतलब डेटर, स्टॉक है 75 का, बुक डेट है 66,000, प्रोविजन 6, प्रोविजन कहां जाएगा क्रेडिट में, क्या प्रोविजन कोई रियल लाइबिलिटी है, जी नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000। नेक्स्ट मशीन, प्लांट एंड मशीन डेबिट साइड रियलाइजेशन, और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, खत्म। तो सर बैलेंस शीट का आइटम एक बार जाता है, इसी तीन अकाउंट में चला गया। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सर नीचे का इंफॉर्मेशन क्या है, जर्नल एंट्री, एंट्री करो अपने आप दिखेगा दो जगह कहां जाना चाहिए। The firm was dissolved on the date given above, जो ऊपर का डेट है उसी दिन फर्म बंद हो गया। The following transaction took place. Number one, Mrs. Rita Chaudhary undertook to pay Mrs. Chaudhary loan and took over 50% of the stock at a discount of 20%. ठीक है, जो रीता चौधरी है पार्टनर वो मिस्टर चौधरी का लोन ले गई, तो लोन जो है वो तो बंद हो चुका है, तो सर लाइबिलिटी कौन लेके जा रहा है, पार्टनर, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं, क्योंकि फर्म को तो पैसा देना नहीं पड़ रहा है, कौन दिया, मिसिस रीता चौधरी, तो सर अगर मिसिस रीता चौधरी दी है तो फर्म को क्या दिक्कत है, बोले फर्म को यह दिक्कत है कि मिसिस रीता चौधरी कोई दान नहीं की है कि लाइबिलिटी ले जा रहे हैं, वो बाद में आकर के इस लाइबिलिटी का पैसा फर्म से मांगेगी, वो बोलेगी भाई उस लाइबिलिटी को हम पे किए थे अब हमको उसका पैसा दे दो, तो हम बोल रहे सर आप फर्म के लिए तो लाइबिलिटी वैसे का वैसे ही रहेगा, बस नाम बदल गया,
पहले जो चौधरी था अब वो कौन बन गया, मिसेस रीता। तो हम बोले सर एंट्री हुआ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिसेस रीता कैपिटल। तो सर रियलाइजेशन का डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रीता कैपिटल। क्या ले गया है सर, मिस्टर चौधरी का लोन। कितने का है, 15। पैसा को अंदर लिख, क्योंकि एक और चीज ले गया। अंदर क्यों लिख रहे हो, बाहर ही लिखो, अब तो ऐसे ले जा रहा है। ठीक, 15। फिर आगे बोला है 50% स्टॉक ले गई, 20% डिस्काउंट। ध्यान देना, स्टॉक का वैल्यू, बोले सर स्टॉक का वैल्यू है 75,000। हाफ हाफ, आधा आधा कर लू, तो सर ये आएगा 37,500, 37,500। जो रीता है वो क्या की, 20% डिस्काउंट मिलेगी, 30,000। 37,000 का 20% निकालो, 7,500, तो वो डिस्काउंट में ले गई, तो माइनस। तो रीता एसेट्स ले गई, तो सर पार्टनर जब एसेट्स ले जाता है तो एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम बोले हाँ, पहले आप इसका दो बार एंट्री नहीं किए, दो बार एंट्री करो। तो हम बोले सर एक बार और यहां लिखा है वाई रियलाइजेशन, किस चीज के लिए, सर जो चौधरी का लोन था वो ले। कभी भूलिएगा नहीं कि दो बार रिकॉर्ड होता है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब स्टॉक का बारी, तो सर रीता कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रीता कैपिटल डेबिट, नाम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। किस चीज के लिए, स्टॉक, कितना में, 30,000। और सर रियलाइजेशन हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट बाय, नाम किस, दिस इज रीता चौधरी। किस चीज के लिए, स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट 30,000। चलो आगे बढ़ो, पहला पॉइंट खत्म, सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ा जाए। बोल रहा है बुक डेप्थ रियलाइज 54,000 एंड बैलेंस स्टॉक, बैलेंस स्टॉक कौन। हम बोले सर ये वाला, आधा रीता ले गई, ये कौन ले गया, रीता, आधा तो अभी भी बचा हुआ है 50%। बोल रहा जो बचा हुआ है उसको 30% प्रॉफिट में बेच देंगे। हम बोले सर एसेट्स को बेचे तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्या बिका सर, एक तो बिका बुक डेप्थ, कितना में बिका बुक डेप्थ, 54, और दूसरा बिका स्टॉक, स्टॉक कितना में बिका, बोला है 30% के प्रॉफिट में, तो सर 37,500 का कॉस्ट बचा हुआ है उसमें कितना जोड़ लीजिए, 30%। चलो जोड़ा जाए, 37,500 प्लस 30% 48,750, ये हुआ है सोल्ड, तो 48,750 सर दूसरा बार कहां जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है बाय बैंक। क्या क्या बिक गया, बुक डेट 54, और बताओ स्टॉक 48,750। पॉइंट नंबर टू भी खत्म, पॉइंट नंबर थ्री, क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट में पे करेंगे और बिल पेबल को पूरा पे करेंगे। एंट्री, सर लायबिलिटी को पेमेंट कीजिएगा तो पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट, जो जाता है वो क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखिए टू बैंक। एक तो क्रेडिटर, और दूसरा
बिल पेबल। क्रिएटर कितना में पेमेंट हुआ है? 10% डिस्काउंट में। तो सर 75,000 में पहले 10% माइनस कर लीजिए, कितना आए? 67,500। और बिल पेबल 30,000। तो बोले सर ये तो हो गया हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आगे पढ़िए, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी खत्म। फोर्थ पॉइंट, प्लांट एंड मशीन बिक गया 75 में और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में। तो सर एंट्री पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक डेबिट हुआ तो बैंक के डेबिट में नाम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, पहले से लिखा हुआ उसी में लिख दो। प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीन कितने में बिका? 75। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिका? 1,20,000। तो सर बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो रियलाइजेशन एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, किसके नाम से? प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। वन लैख 20। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर फोर भी खत्म। पॉइंट नंबर फाइव, मिसिस रीता चौधरी टुक ओवर गुडविल, एसेट्स को ले जा रही है, कितना में? 30,000 में। एसेट्स गया तो सर जो चीज नहीं है वो चीज चला गया। बोले हाँ, तो सर उसके बदले क्या मिलेगा? बाद में पैसा मिलेगा। तो सर मेरे लिए तो मिसिस रीता चौधरी एसेट्स बन गई। एंट्री रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कि सर जो चीज नहीं है उसके लिए भी पैसा मिलेगा। तो फायदा तो है, फायदा क्रेडिट, फायदा का नाम रियलाइजेशन। और डेबिट कौन? हम बोले सर रीता से पैसा लेना है तो जिससे लेना है तो डेबिट कर दो। तो एंट्री बना मिसिस रीता कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखिए टू रियलाइजेशन। किस चीज का? गुडविल। कितना में? 30,000। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय रीता कैपिटल। किस चीज के लिए? गुडविल 30,000। और कोई चीज? रियलाइजेशन में खर्चा 5,250। एंट्री सर खर्चा हुआ है तो पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, और खर्चा डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक के अंदर। किस नाम से? रियलाइजेशन अमाउंट 5,250। तो सर बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक क्रेडिट में। और कुछ नहीं, सारा बात खत्म। तो सबसे पहले ये चेक करो कि आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। तीन आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो गया, मिस्टर चौधरी लोन, देखिए रीता ले गई तो सर वो भी पे हो गया, प्रोविजन सर वो रियल लाइबिलिटी नहीं होता है। चलिए काम खत्म। अब क्या करना? बस रियलाइजेशन से प्रॉफिट लॉस निकालना है। चलिए जोड़ा जाए 54 प्लस 48 750 प्लस 75 प्लस 1,20,000 297,750। और इधर है 67,500 प्लस 30,000 प्लस 5,250 1,02,750। चलिए जोड़ा जाए, इस बार प्रॉफिट होना चाहिए, क्रेडिट साइड अधिक है। तो 75 प्लस 30 1,05,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 297,750 प्लस 30,000 4,83,750 माइनस
75,000 माइनस 66,000 माइनस 45,000 माइनस 48,000 माइनस 15,000 माइनस 1,32,750 टू पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट निकला। कितना आया 1,32,000 डिवाइड कर दीजिए इक्वली 66,000। आइए मैच भी करा ले बुक से, क्या ये बुक में भी यही है? जी हाँ। दूसरा बार जो सर प्रॉफिट निकला है बैलेंसिंग फिगर से वो कहां चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल। प्रॉफिट कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। ये क्या है प्रॉफिट? 66,000। चलिए जोड़ा जाए 30 + 12 = 42,000 प्लस 66,000 1,08,000। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। मिसिस शोभा का 1,08,000, रीता का 90 + 12 + 15 + 66 1,83,000। उसमें माइनस कर देंगे 30 और 30 60,000 तो 1,23,000। ये भी बैलेंसिंग फिगर से निकला, दो बार होना चाहिए सर, एक बार यहां दूसरा बार कहां जाएगा बैंक में? तो बाय रीता कैपिटल कितने का है 1,23,000 और बाय मिस शोभा ये कितने का है 1,08,000। सही होने पे दोनों मैच करेगा, ये कितना बाहर आएगा 297,750 और ये आएगा 1,02,750। चलिए जोड़ा जाए प्लस 1,02,750 ये आया 3,33,750 माइनस 36 ये भी उतना ही आएगा 3,33,750। तो ये बन गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का बी का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अनुराग एंड प्रेम वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। तो सर दो पार्टनर है अनुराग और प्रेम जिनका प्रॉफिट रेशियो 2:1 का है। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बोल रहा है 31 मार्च 2020 को उनका बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लिखा है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर मिसिस अनुराग लोन। क्या मिसिस अनुराग पार्टनर है? नहीं, वो बाहर के लोग हैं। अनुराग लोन सर ये पार्टनर का लोन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल। एसेट साइड में देखो बैंक डेटर प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है? लॉस है, खर्चा है तो लॉस है और क्या। लॉस किसको मिलता है? पार्टनर को। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द एवर डेट। फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया मतलब बिजनेस को बंद कर दिया गया ऊपर वाले डेट पर। अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अनुराग बोला कि जो स्टॉक है उसका 60% हम ले जाएंगे लेकिन 20% डिस्काउंट में। तो सर स्टॉक का 60% खत्म हो गया। 25% ऑफ द रिमेनिंग जो 40% बचा उसका 25% बिक गया एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। जो सर बचा हुआ स्टॉक है 60% अगर अनुराग ले गया तो बचा कितना 40%, उसका 25% बिक गया 40% के प्रॉफिट में। रिमेनिंग स्टॉक फाउंड अब्सोल्यूट रियलाइज नथिंग। बाकी बचा हुआ स्टॉक जो है वो बेकार है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। नंबर एक बात खत्म। नंबर दो फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर।
बोल रहा है जो फर्म है उसको 90,000 रुपया का कंपनसेशन देना पड़ेगा। हम लोग के क्वेश्चन में देखो रियलाइज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है 1,20,000 और वर्कमैन का क्लेम कितने का है 90। तो सर जो 90 का क्लेम है उतना रुपया से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में, और उसका पेमेंट भी होगा। और बाकी बचा हुआ 30,000 क्योंकि रिजर्व तो 1,20,000 का है, जो 30 बचेगा वो कहां जाएगा सर, वो तो पार्टनर को बट जाएगा 2:1 में। आगे बढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। कोई एंट्री नहीं होगा, हम लोग सिखाए हैं कि अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को ले जाए जो हमारे बुक्स में नहीं हो तो वैसे केस में हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सर लाइबिलिटी भी बुक्स में क्लोज हो चुका है, एसेट्स भी क्लोज हो चुका है, तो जो लाइबिलिटी जिस एसेट्स को ले जा रहा है वो मेरे बुक में है ही नहीं, तो हम उसका एंट्री क्या कर सकते हैं? तो सर जो सन्ड्री क्रेडिटर वाला बात है उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा। बोले ठीक है, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 4, डेटर रियलाइज 75%, प्लांट रियलाइज 20% लेस। बोल रहा है जो डेटर है वो 75% में बिक गया और जो प्लांट है वो 20% कम में बिका। पॉइंट नंबर 5, प्रेम एग्री टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड ही वॉज गिवेन फर्नीचर एज हिज रेमुनरेशन। प्रेम जो है वो बोला कि हम सारा काम देख लेंगे बिजनेस को बंद करने का, बदले में उसको क्या दे दिया गया, फर्नीचर। इसका भी कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि जो एसेट्स दिया जा रहा है वो एसेट्स तो मेरे बुक्स में क्लोज हो चुका है, तो जो चीज है ही नहीं वो देने का आप एंट्री क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं। तो सर पॉइंट नंबर 5 भी बेकार हो गया। पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है 10,000, सर पेमेंट करना पड़ेगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाने बोला है? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा बात तो बनाना भी नहीं है, शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। और बता, क्योंकि हम लोग को लोन नहीं बनाना है, कैपिटल नहीं बनाना है, बैंक नहीं बनाना है, लेकिन बात उसी अंदाज में करेंगे ताकि लगे कि हाँ सर वैसे ही बन रहा है। सोचते चलिएगा, लाइबिलिटी साइड पहले बैलेंस शीट को लिखते हैं कहां कहां जाएगा। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर मिसिज अनुराग लोन, ये दोनों कहां जाएगा, रियलाइजेशन में, क्रेडिट में। फिर है अनुराग लोन, वो तो अनुराग लोन के अकाउंट में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितने का क्लेम होगा उतना रुपया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये तो पार्टनर को मिलेगा, और कैपिटल ये भी पार्टनर को मिलेगा। चलिए सर लाइबिलिटी हम लोग पढ़ लिए, लिखना शुरू करें। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर 60। उसके बाद है मिसिज अनुराग लोन, ये भी बाहर के लोन। कितने का 80, अनुराग लोन नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आ रहा है, उस पर जो क्लेम है वो आ रहा है। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 90, तो जो रिजर्व है उसमें से 90 तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो यहां आएगा। बाकी का 30,000 वो प्रॉफिट का पार्ट है, तो वो पार्टनर को मिलेगा, तो हम लोगों को तो मतलब नहीं है, पार्टनर बनाना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी तो एक तरह का प्रॉफिट है। हम बोले हाँ बात तुम्हारा सही है, तो सर प्रॉफिट को आप यहां क्यों लिख रहे हैं, पार्टनर कैपिटल लिखना चाहिए था। हम बोले दोस्त इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब पढ़े थे तो हम बताए थे ना कि इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमको डर होता है कि इन्वेस्टमेंट का दाम घट बढ़ सकता है, हम उस डर से बचने के लिए क्या बनाए, रिजर्व। अब हम जब बिजनेस को बंद करेंगे तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, अपोजिट साइड में देखिए आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेचना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तो क्या हमको प्रॉफिट लॉस होगा। हम बोले हाँ, तो जब मेरा इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में होगा तो उस प्रॉफिट लॉस से बचाने के लिए रिजर्व भी कहां होगा, रियलाइजेशन के पास होगा, पार्टनर के पास भला क्यों होगा। ठीक है चलिए, ये भी लिख लीजिए 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस, सर वो तो पार्टनर कैपिटल में, और कैपिटल वो भी पार्टनर कैपिटल में। एसेट साइड बैंक, बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा। डेटर, हाँ वो जाएगा डेटर, कितने का 60,000। और प्रोविजन, प्रोविजन सर क्रेडिट में लिखिए, फॉर डाउटफुल डेट 3,000। नेक्स्ट स्टॉक,
1 लाख, फर्नीचर 20,000, प्लांट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 45,000 और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सर ये तो लॉस है, किसको मिलेगा? पार्टनर को। हम लोग पार्टनर कैपिटल बनाना नहीं है, वरना वहां बढ़ जाता लॉस। लॉस कहां बढ़ता? डेबिट साइड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं लॉस। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस सर, वो लॉस है, लॉस बटेगा पार्टनर में। तो सर बैलेंस शीट का जो बात रियलाइजेशन में जा सकता था लिख लिए। अब नीचे का बात पढ़ो, लिखा है अनुराग टू ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हमारे सर स्टॉक पे बात कर लेते हैं, स्टॉक कितने वैल्यू का है? हम बोले सर ये 1 लाख रुपया का, 60% और जो बचा वो 40%। ये जो 60% है ये कौन ले जाएगा? अनुराग। तो सर 60% कितना होगा? हमने 60,000। कॉस्ट कितना होगा? हमने 60, और 40% का कॉस्ट कितना होगा? 40। बोल रहा है ये 20% डिस्काउंट में ले जाएगा, तो सर 60,000 का 20% 12,000। तो अनुराग 60,000 का चीज कितना में ले जाएगा? 48। एंट्री बोले सर एसेट्स ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है? अनुराग। तो अनुराग मेरे लिए एसेट बन जाएगा, बाद में पैसा लेगा बिजनेस उससे। तो सर अनुराग कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, दो जगह इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा? एक तो अनुराग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। तो सर हम लोग को रियलाइजेशन बनाना है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? अनुराग कैपिटल क्या ले जा रहा है? वो स्टॉक कितने में? 48। आगे बढ़ो, बोला है बचा हुआ जो है उसका 25% बिक जाएगा। तो सर जो बचा हुआ है 40 का, ये कितने का बचा हुआ है? रिमेनिंग 40,000 कितने का बचा है? 40,000। बोला है इसका 25%, तो सर 25% कितना आएगा? 10,000। और कितना बच जाएगा? 75%, तो सर वो होगा 30,000 का। तो सर ये बिकेगा कितना प्रॉफिट में? 40% प्रॉफिट, 40%। तो 10,000 का 40% 4,000 कितने में बिक जाएगा? 14,000 में। और ये बोला ये नहीं बिकेगा, जो नहीं बिकेगा उसका कुछ नहीं करना है हमको, हमको इससे मतलब है। बेचे क्या हुआ सर? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। स्टॉक कितना में बिका? 14,000। अंदर क्यों लिखे? अभी बहुत सारा एसेट बिकेगा इसीलिए। तो सर जो हम लोगों का पहला बात है उसका बात खत्म। सेकेंड बात, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। फर्म को 90,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, तो पैसा जाएगा टू बैंक। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। जितना पैसा गया तो लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक। ये क्या है? क्लेम। कितने का? 90। देखो लाइबिलिटी था, पेमेंट होगा क्लेम का, कि क्लेम ऑफ वर्कर या क्लेम फॉर वर्कर। वर्कर का क्लेम 90,000। पॉइंट टू खत्म। पॉइंट थ्री, क्रेडिटर टू कोवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर क्या ले जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट मेरे बुक्स में बचा हुआ है? नहीं। क्या क्रेडिटर मेरे बुक्स में बचा हुआ है? नहीं। तो दोनों ही नहीं है। तो सर जो चीज है नहीं, अगर हम वो देंगे तो क्या एंट्री करेंगे? नो एंट्री। तो सर जो पॉइंट नंबर थ्री है उसका क्या होगा? हम बोले नो एंट्री, कोई एंट्री होगा ही नहीं। और जब एंट्री ही नहीं होगा तो लेजर में पोस्टिंग कहां से करिएगा?
तो 0.3 खत्म। 0.4 सन्ड्री डेटर बिक गया 75% में और प्लांट 20% लेस में। डेटर और प्लांट, डेटर कितने का है 60, उसका 75% निकालिए 45,000। प्लांट कितने का है 4 लाख, उसमें 20% कम कर लीजिए 3,20,000। एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू रियलाइजेशन फायदा हुआ। तो सर बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में लिख दिए बैंक के अंदर। पॉइंट नंबर 4 खत्म। पॉइंट नंबर 5, प्रेम एग्रीड टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड ही वॉज गिवन फर्नीचर, कोई एंट्री नहीं होगा। 5 नंबर नो एंट्री। सर नो एंट्री क्यों, प्रेम तो पार्टनर है। हम बोले हाँ, उसका तो लाइबिलिटी खुला हुआ है। बोले बिल्कुल, लेकिन दिक्कत क्या है, हम उसको वो चीज दे रहे हैं जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, तो जो चीज है नहीं उसका एंट्री कैसे करिएगा। हम बोले हाँ बात तो सही है, उसका एंट्री तो होगा नहीं। तो आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपया का। सर मान लीजिए पॉइंट नंबर 5 को फिर से पढ़िए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता कि प्रेम को पैसा देंगे तब तो खर्चा रिकॉर्ड करते, जैसे यहां फर्नीचर लिख दिया, वहां बोलता कि बिजनेस उसको पैसा देगा तो फिर हम बोलते सर एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, तब एंट्री होता है बिजनेस के लिए खर्चा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम कैपिटल। लेकिन यहां क्योंकि हम फर्नीचर दे रहे हैं तो वो चीज तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं, तो उसका कोई एंट्री करने का जरूरत हमको पड़ेगा भी नहीं। चलिए लास्ट काम, सर रियलाइजेशन में खर्चा होगा 10,000, एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन का डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस नाम से, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000। सारा बात खत्म। जब सारा बात खत्म होता है तो हम लोग को याद है बोले थे कि सर चेक कीजिएगा रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। पहला क्रेडिटर, इसका पेमेंट हो गया है कि क्वेश्चन बोला है वो इन्वेस्टमेंट ले गया। मिसिज अनुराग लोन, कुछ नहीं बोला, पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग सीखे हैं कि सर अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग उसका पेमेंट पूरा कर देते हैं। कितने का है 80। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई लाइबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, तो सर इनका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब हो गया है बात खत्म। अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि सर प्रॉफिट लॉस आया है या नहीं। चलिए 1,80,000, 3,20,000 प्लस 45,000, 3,20,000 प्लस 45,000 प्लस 14,000, 3,79,000। आओ जोड़ा जाए, 60 प्लस 1,60,000 प्लस 20 और 4,20,000 प्लस 45,000 प्लस 1,80,000, 8,05,000 डेबिट साइड है। माइनस करिए 60,000, 80,000, 90,000, 10 और 3, 13,000, 48,000 और 3,79,000, 1,35,000 का लॉस। जी हाँ, लॉस मैच कर गया। तो बाय पार्टनर कैपिटल, किसको मिलेगा, पार्टनर को 2:1 में। पार्टनर का नाम अनुराग और प्रेम। वन लैख 35,000 2:1 में बांटिए, 90,000, 45,000 हो गया। ये था हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।